डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस UPRTOU। तो सबसे पहले देखेंगे MAPS 109, सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यूनिट 11, डिटेंट। आई एम कामना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर UPRTOU। सबसे पहले इसमें देखेंगे उद्देश्य, तनाव शैथिल्य डिटेंट, इसका उद्देश्य क्या है। इसमें सबसे पहले देखते हैं तनाव शैथिल्य का अर्थ एवं कारणों को समझना है, तनाव शैथिल्य का क्रम को समझना है, तनाव शैथिल्य के परिणामों को जानना है, नव शीत युद्ध को समझना है। तो मैंने इसके पहले जो है शीत युद्ध की चर्चा किया था, अब इसके बाद इस चैप्टर में नव शीत युद्ध, तनाव शैथिल्य, इसकी चर्चा करेंगे। तनाव शैथिल्य शीत युद्ध के बाद आता है। शीत युद्ध का तात्पर्य मैंने बताया था कि जो कि हथियारों से नहीं लड़ा गया था, एक वैचारिक मतभेद था दो गुटों में विश्व राजनीति में, अमेरिका और रूस की राजनीति में। तो उसके बाद के कौन से ऐसे कारण आए कि जिससे कि तनाव शैथिल्य, मतलब कि तनाव में कमी आई, तो उन कारणों को हमको जानने का हम प्रयास करेंगे। प्रस्तावना, प्रस्तावना में हम देखते हैं 1962 के क्यूबा संकट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के व्यवहार में आए परिवर्तनों को तनाव शैथिल्य या डिटेंट का नाम दिया जाता है। क्यूबा संकट के बाद शीत युद्ध के वातावरण में कुछ नरमी आई और दोनों गुटों के मध्य व्याप्त तनाव की भावना सौहार्दपूर्ण व मित्रता की भावना में बदले के आसार दिखाई देने लगे। इससे दोनों देशों के मध्य मधुर संबंधों की शुरुआत होने के लक्षण प्रकट होने लगे। दितांत ने शीत युद्ध से उत्पन्न पुराने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिदृश्य बदलने लगा और विश्व में शांतिपूर्ण वातावरण का जन्म हुआ। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में भी वृद्धि हुई और परमाणु युद्ध के आतंक से छुटकारा मिला। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति को डिटेंट कहा गया है। इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी कहा जा सकता है। तो क्यूबा संकट का जो है हम जिक्र करेंगे, 1962 में क्यूबा संकट। तो क्यूबा संकट सबसे पहले हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्यूबा संकट क्या है। तो क्यूबा संकट उसको कहते हैं जब 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने अमेरिका के मद्देनजर देखते हुए, अमेरिका को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास किया सोवियत संघ ने। और क्यूबा में जो कि सोवियत संघ का ही एक घटक देश था, तो उसमें अपने हथियारों को इकट्ठा करना शुरू किया। अमेरिका की ताकत को मद्देनजर देखते हुए उसने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया और क्यूबा में जो है हथियार, मिसाइल, ये सब चीज़ों को जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने क्यों इकट्ठा करना शुरू कर दिया? उसने सोवियत संघ ने इसलिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया क्योंकि सोवियत संघ को जो है ये लगने लगा था कि अमेरिका की ताकत बहुत ज़्यादा है, अगर तनाव की स्थिति बनी हुई है, अगर युद्ध का जो है वक्त आ गया, युद्ध आक्रमण शुरू हो जाएगा, तो हम जो है अमेरिका के किसी भी चुनौती को जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए अमेरिका की चुनौती को जवाब देना है, अमेरिका की ताकत को मुंह तोड़ जवाब देना है, तो अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। तो अगर हम अपने देश में सारे जो है हथियार एकत्रित करेंगे तो अमेरिका की सीधी नज़र तक लगी हुई है और अमेरिका इस बात को जो शिकायत करेगा कि जो है आप इस तरीके जो है जो नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि कर रहे हैं। तो इस वजह से क्यूबा में मिसाइल और ये सब परमाणु आयुध ये सब जो है इकट्ठा करने का प्रयत्न करने लगा था सोवियत संघ। अमेरिका को जैसे ही भनक लगी तो अमेरिका को तो पता था कि सोवियत संघ की ये चाल है और सोवियत संघ द्वारा जो है क्यूबा में ये मिसाइल ये सब चीज़ का जो है एकत्रित किया जा रहा है, लेकिन इस बात को डिनाई करते हुए अमेरिका ने सीधा
क्यूबा को जो है धमकी दिया और कहा कि इस तरह से अगर आप अपने देश में इस तरह से मिसाइल और जो है परमाणु हथियार एकत्रित करेंगे तो युद्ध की आशंका जो है बढ़ जाएगी और जो है हम आपको नष्ट कर देंगे और जो है सबक सिखाएंगे। तो क्यूबा ने जो है इसको तुरंत ही इसको संज्ञान में लिया और जो है इसकी शिकायत सोवियत संघ के संघ से किया, तो सोवियत संघ ने अपने परमाणु हथियार वहाँ से हटा लिए और जो है बहुत से परमाणु हथियारों को जो है नष्ट कर दिया गया। तो क्यूबा संकट एक तरीके से टल गया। जब क्यूबा संकट टल गया तब माना गया कि तनाव में जो है कमी आई और जो है अपने शस्त्रों को सोवियत संघ ने नष्ट कर दिया था, तो बात मानते हुए तो तनाव में जो है कमी आई थी और ढेर सारी जो है गतिविधियाँ हुई, ढेर सारी चीज़ें हुई कि जो है विश्व में विकास की अवस्था जो है रुक गई थी विश्व में, और परमाणु हथियारों की दौड़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इस वजह से परमाणु हथियारों की दौड़ को कम किया जा सके, विकास को जो है गति दिया जा सके और ये सब चीज़ों को गति देने के लिए उन्होंने जो है तनाव की स्थिति को कम करने का प्रयास किया, इसके लिए ढेर सारे संधि समझौते करने का प्रयास किया। अब इसके बाद हम देखते हैं तनाव शैथिल्य का अर्थ। तनाव शैथिल्य का अर्थ क्या है? तो तनाव शैथिल्य का अर्थ है शीत युद्ध शिथिलता या तनाव में कमी। तो तनाव शैथिल्य का मतलब जो तनाव बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति थी तो उसमें शिथिलता देखने को मिलती है, एकदम से खत्म नहीं हुई हो गई थी, समाप्त नहीं हो गई थी लेकिन उसमें कुछ कमी आई थी तनाव में। अमेरिका रूसी गुट के बीच चलने वाले संघर्ष में शिथिलता को तनाव शैथिल्य कहा गया। वियतनाम में अमेरिका के बढ़ते हस्तक्षेप के बाद भी 1975 में वियतनाम का एकीकरण हो गया। इससे प्रोफेसर एम एस अगवानी की पुस्तक देता पर्सपेक्टिव एंड रिपर कंसेशन के प्रार्थन में तनाव शैथिल्य को व्याख्यायित किया गया है। 1960 के बाद महाशक्तियों के संबंध एक ही दिशा में बढ़ने लगे थे। समय के साथ साथ ही शीत युद्ध के नकारात्मक रवैये और स्थितियां दोनों पक्षों में आपसी बातचीत सह अस्तित्व की ओर उन्मुख होने लगे थे। यद्यपि शस्त्रों की दौड़ पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, सैन्य संगठन समाप्त नहीं हुए थे, पहले की तरह परमाणु हमले की आशंका उनको भयभीत नहीं करती थी। अमेरिका में द्वितांत का विचार महत्व सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों में होने वाले बदलाव को तनाव शैथिल्य नाम दिया गया है। तो जब कहा गया है कि तनाव शैथिल्य की जब स्थिति उत्पन्न हुई तो उस समय दोनों गुट, जैसे कि अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेता था और साम्यवादी गुट का नेता रूस था, तो इन दोनों गुटों में एक आपसी जो है सामंजस्य की स्थिति बनने की शुरुआत होने लगी। दोनों का लक्ष्य एक ही हो गया कि हमको विकास करना है, तो जो है इसीलिए तनाव में शिथिलता की स्थिति हमको दिखाई देती है। यह नहीं कहा जाता है कि पूरी तरीके से परमाणु शस्त्रों की दौड़ समाप्त हो गई थी या तनाव पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था लेकिन थोड़ी थोड़ी जो है उसमें तनाव में कमी आई थी और एक दूसरे के साथ विश्वास की स्थिति बनने की शुरुआत होने लगी थी। तनाव शैथिल्य या द्वितांत की परिभाषा अब जानने का हम प्रयास करेंगे कि तनाव शैथिल्य द्वितांत की जो है परिभाषा क्या है। तो डॉक्टर केपी मिश्र के अनुसार तनाव शैथिल्य का अर्थ मित्रतापूर्ण संबंध नहीं है। रूस और अमेरिका के मध्य मित्रता कभी स्थापित हुई ही नहीं। तनाव शैथिल्य का अर्थ है कटुता में कमी, संबंधों में सहजता। तो कहने का मतलब है कि जो दोनों देशों के बीच जो कटुता थी एकदम से खत्म नहीं हुई लेकिन जो है थोड़ी सी कमी आई थी, वही जो है तनाव शिथिलता है। तो इसके संबंध में प्रोफेसर हरीश कपूर ने कहा है, द्वितांत संबंधों की व्यवस्था में दोनों महाशक्तियों के आपसी व्यवहार में समझौतावादी रुझान का दायरा बढ़ना, यूरोपीय महाद्वीप
का अब विभाजित न होना अपितु यूरोपीय देशों में व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का विस्तार होना तथा संघर्षपूर्ण एवं विवादास्पद समस्या को द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ताओं से निपटाना शामिल है। तो इनका कहने का मतलब है कि इस काल में जो है अपने जो विवादों को उन्होंने शांतिपूर्ण समझौता आदि के तहत जो है निपटाने का प्रयास किया है और जो है यूरोप का विभाजन होना बंद हो गया था और व्यापारिक सांस्कृतिक आदान प्रदान व्यापार का आदान प्रदान व्यापार में वृद्धि को जो है महत्व देने लगे थे कि व्यापार में हम वृद्धि करेंगे तभी हमारा विकास हो सकता है और तनाव की स्थिति से सिर्फ जो है नुकसान होगा और भलाई विकास कभी नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों जो है गुटों ने यही सोचा कि हमको जो है आपसी जो है सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं तनाव शैथिल्य के कारण। तनाव शैथिल्य मतलब कि जब तनाव की स्थिति थी, शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध अचानक से जो है तनाव शैथिल्य शिथिलता की स्थिति, तनाव में कमी की स्थिति कैसे आई और कौन से ऐसे कारण हैं जो कि तनाव की स्थिति जो कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किए थे। तो देखते हैं पहला कारण क्या है, आर्थिक विकास। तो क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों को सबक दिया कि वे परस्पर उलझकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पतन की ओर धकेल रही हैं। सोवियत संघ ने इस बात को समझते हुए उसने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति की जोर दिया था। तो जो क्यूबा मिसाइल संकट था तो उसके बाद से स्थितियां जो है बहुत ही खराब होने लगी थी। जब क्यूबा मिसाइल संकट टल गया तो जो है सबसे ज़्यादा व्यापार को हम जो है महत्वपूर्ण स्थान देने का हमने प्रयास किया ताकि हम देश का और जो पूरे विश्व का विकास कर सकें। नंबर अगला, परमाणु युद्ध की भयावहता। तो परमाणु युद्ध की भयावहता, परमाणु युद्ध की जो है भयंकरता, जो कि स्थिति बहुत ही भयानक होती है। परमाणु अस्त्रों की भयानकता ने दोनों महाशक्तियों को चेता दिया कि युद्ध के भयंकर परिणाम होंगे और दोनों देशों के जान माल को बहुत ज़्यादा नष्ट कर देंगे। इस भय के कारण दोनों महाशक्तियों शांति की दिशा में पहल करने में लग गई। तो परमाणु युद्ध की भयावहता, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की कगार पर था तो अमेरिका ने जापान पर जो है परमाणु अटैक कर दिया था। इससे जो है आज तक वो पीढ़ियां उभर नहीं पाई हैं और उसमें जनधन की अपार हानि हुई थी और आज तक जो है वहाँ की विकृति है, अनुवांशिक विकृतता उत्पन्न हो गई है, आज तक जो है संभल नहीं पाया है। इसीलिए इसकी भयावहता बहुत ज़्यादा विकट होती है, विकराल होती है, जनधन की हानि होती है। तो इस वजह से इसको, इस आशंका को मद्देनजर रखते हुए दोनों देशों ने इसको जो है सोचा कि तनाव की स्थिति जो है सही नहीं होती है। अगला नंबर है कच्चे माल की आवश्यकता। अमेरिका ने यह महसूस किया कि उसके उद्योगों के लिए कच्चा माल सोवियत संघ से प्राप्त किया जा सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था का विकास कच्चे माल पर ही निर्भर है। सोवियत संघ से व्यापारिक संबंध बढ़ाने से कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है और लाभ उठाया जा सकता है। इसी कारण से अमेरिका ने टकराव का रास्ता छोड़ने की बात अपना ली। तो कच्चे माल की आवश्यकता, जैसा कि उद्योग धंधों का उस टाइम विकास हो रहा था अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, तो सोवियत की तरफ कच्चे माल की जो है पूर्ति हो सकती थी। तो अमेरिका ने यही सोचा कि हमारे उद्योग धंधों को रॉ मटेरियल, कच्चा माल यदि नहीं प्राप्त होगा तो हमारे उद्योग धंधों का विकास, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा कि अब तभी किसी व्यक्ति से सहायता ली जा सकती है जबकि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सके। अगर मित्रता नहीं है, दोस्ती नहीं है, तो उससे कोई भी सहायता की उम्मीद करना बेकार है। तो इसी वजह से अमेरिका ने अपने आपसी जो तनाव चीज को भुलाते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जो है उसको कच्चे माल की आवश्यकता थी, अपने उद्योग धंधों को डेवलपमेंट करने की आवश्यकता थी और यह बिना मित्रता पूर्ण व्यवहार के रवैये के यह संभव नहीं हो सकता था। इसीलिए ये कारण भी बना कि तनाव में शिथिलता आई।
इसके बाद हम देखते हैं स्थायी शांति का विचार। दोनों महाशक्तियां लंबे समय से एक दूसरे के साथ तनाव को बढ़ा रही थी। इस तनाव के चलते ना तो उनमें राष्ट्रीय हितों में वृद्धि संभव थी, ना ही स्थायी शांति की स्थापना हो सकती थी। स्थायी शांति के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं था, इसलिए दोनों शक्तियां परस्पर भेदभाव भूलकर सहयोग का रास्ता अपनाने को सहमत हो गई। तो स्थायी शांति, अगर शांति नहीं होगी तो विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि जब अशांति का माहौल होगा, एक दूसरे की जो है अटैक की संभावना बनी होगी, शस्त्रों की होड़ लगी होगी, और स्थायी शांति यदि नहीं होगी तो विकास संभव नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों महाशक्तियों ने यह जो है तनाव शिथिल की स्थिरता जो है लाने का प्रयास किए। अगला है राष्ट्रीय हितों में वृद्धि। तो दोनों महाशक्तियों ने अनुभव किया कि लोक कल्याण को बढ़ावा देने, गरीबी निवारण, लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए परस्पर तकनीकी सहयोग द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय हितों में वृद्धि, प्रत्येक देश का जो है विदेश नीति का अपना लक्ष्य होता है कि हम विदेश नीति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की हम पूर्ति करेंगे, अपने राष्ट्रीय हितों का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे। अगर क्योंकि कोई भी देश अपने जो है खुद के लिए अपने हर चीज़ में सक्षम नहीं होता है। किसी देश में खाद्यान्न की उपलब्धता कोई चीज़ की अधिक है, जैसे गेहूं, धान, चावल, गेहूं, तो किसी की उपलब्धता कम है, और इसी प्रकार बहुमूल्य रत्न आदि तो किसी देश में ज़्यादा है, किसी देश में कम है। तो आपसी जो है सामंजस्य, आपसी व्यवहार, आपसी व्यापार के तहत जो है हम अपने आयात निर्यात के माध्यम से अपने देश की जो है चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करते हैं और देश के विकास को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दोनों महाशक्तियों ने जो है तनाव शिथिलता की स्थिति को जो है उत्पन्न किया। अगला है वास्तविक युद्ध का भय। तो शीत युद्ध का वातावरण कभी भी वास्तविक युद्ध का रूप ले सकता था। इस भय ने दोनों महाशक्तियों को शांतपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाने के लिए बाध्य कर दिया। तो वास्तविक युद्ध का भय होने लगा था दोनों देशों में, क्योंकि जो है दो बार जो है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की जो है विभीषिका को देखते हुए जो है उन लोगों में भय की जो स्थिति बन गई थी, और जिस प्रकार से तनाव की स्थिति थी और शस्त्रों की दौड़ लगी हुई थी, एक दूसरे खुद के देशों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने शस्त्रों में वृद्धि कर रहे थे, तो जो है युद्ध की जो है स्थिति उत्पन्न होने की आशंका थी, और वास्तविक युद्ध की जो भय से उन्होंने जो है तनाव शिथिलता की स्थिति को उत्पन्न किया। अगला है साम्यवादी गुटबंदी का ढीलापन। साम्यवादी गुट कौन कौन से था? चीन तथा सोवियत संघ में भी परस्पर मतभेद पैदा हो गए। सोवियत संघ ने महसूस किया कि चीन का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से मित्रता करना जरूरी है, इसलिए सोवियत संघ ने अमेरिका विरोधी रुख छोड़ दिया और सौहार्दपूर्ण वातावरण करने लगे, व्यवहार करने लगे। तो साम्यवादी गुटों में जो है आपस में ही खींचतान उत्पन्न हुई हो गई थी, और उधर रूस और चाइना एक दूसरे को जो है चुनौती दे रहे थे, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़ लगी हुई थी, और इसीलिए जो है सोवियत संघ ने ये समझा कि अगर हम पश्चिमी देशों से अर्थात अमेरिका गुट के देशों से यदि हम इस प्रकार से हम सामंजस्यपूर्ण स्थिति नहीं बनाते हैं, उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो यही होगा कि हम जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे, हमारे देश का विकास नहीं होगा, और पड़ोसी राज्य तो हमारी जो है जड़ खोद रहे हैं, पड़ोसी राज्य तो सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से हमको इस तरीके से ये सब नीतियों को जो है परित्याग कर देना चाहिए, वैमनस्यता त्याग देनी चाहिए और आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना चाहिए। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म। शीत युद्ध के काल में भारत, इंडोनेशिया, मिस्र और यूगोस्लाविया जैसे कुछ देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। धीरे धीरे अन्य कई देश यह नीति अपनाने लगे। 1961 में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। इसके बाद गुट निरपेक्षता एक आंदोलन बन गया। तो तनाव शिथिलता में जो आई, तो इसमें जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी बहुत बड़ा हाथ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ जब
इसलिए जन्म इसका उदय हुआ, जन्म हुआ क्योंकि कुछ देश जैसे कि भारत, और भारत जैसे कई विकासशील देश थे तो वो नहीं चाहते थे कि नई नई गुलामी से आज़ादी मिली थी, जैसे कि भारत में पहले अंग्रेजों का राज था, तो जब गुलामी से आज़ादी मिल गई थी, भारत देश आज़ाद हो गया था, तो वो जो है सोवियत और जो है अमेरिकी गुट में शामिल ना हो करके अपना जो है दोनों गुटों से निर्गुट हो करके अपना अलग जो है आंदोलन मूवमेंट चलाना शुरू किया, और एक अलग विकासशील देशों का एक जो है अलग अपना गुट हुआ। और ये इनका कहने का मतलब था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम निर्गुट रहेंगे बिना गुट के, और जो है हम अलग दोनों गुटों से हम मिल करके सहयोग से काम करेंगे, किसी भी गुट में हम एक तरीके से शामिल नहीं होंगे, और हम दोनों गुटों से हमारे अच्छे मित्रवत व्यवहार रहेंगे। तो जब गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ तो भी जो है तनाव शिथिलता में कमी आई, और इन लोगों ने भी अपनी भूमिका का निर्वाह किया। गुट निरपेक्ष जो है भारत भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में से जो है भारत भी इसका जो है सदस्य था, तो इन लोगों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तनाव की स्थिति को कम करने का प्रयास किया, और जो है यह दोनों गुटों से जो है आपसी सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करने के लिए इन्होंने जो है अपना एक तरीके से एजेंडा चलाया और जो है कामयाब हुए। अब देखते हैं तनाव शैथिल्य के विकास के विभिन्न चरण, कितने चरण हैं। 1953 में कोरिया युद्ध की समाप्ति की घोषणा, अगला है 1955 में ऑस्ट्रिया के साथ संधि, अगला है 1955 में पैकेज डील समझौता, 1959 में ख्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा, 1960 में पेरिस शिखर सम्मेलन, 6 में है हार्टलाइन समझौता, 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, अगला है बर्लिन समझौता 1971, अगला है मास्को शिखर वार्ता सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि 1972, अमेरिका सोवियत संघ सहयोग 1972, ब्रेनझेव की अमेरिका यात्रा 1973, निक्सन की सोवियत संघ यात्रा 1974, कंबोडिया और वियतनाम के युद्ध की समाप्ति की घोषणा 1975। तो तनाव शैथिल्य के जो विकास था तो उसके कई चरण थे, तो इन चरणों के तहत तनाव की शिथिलता जो है कमी आती गई और तनाव में कमी होती गई। तो कोरिया युद्ध की समाप्ति की घोषणा, कोरिया युद्ध जो चल रहा था वो समाप्त हो गया था, ऑस्ट्रिया के साथ संधि हुई थी, पैकेज डील समझौता, ख्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा, जो कि सोवियत संघ प्रमुख थे ख्रुश्चेव, तो अमेरिका यात्रा किए, तो अमेरिका यात्रा करने के बाद अपने मतभेदों को भुलाने का प्रयास किया। पेरिस शिखर सम्मेलन, पेरिस में जो है 8 दिवसीय शिखर सम्मेलन हुआ था, तो अमेरिका के प्रमुख जो है मुखिया जो थे कि राष्ट्रपति, यहाँ पे सोवियत संघ है पेरिस में जो है वहाँ पे एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और पेरिस में संधियाँ समझौते आदि उत्पन्न हुए। अगला है हार्टलाइन समझौता, हार्टलाइन अमेरिका और रूस के मध्य हार्टलाइन समझौता हुआ था, इसके तहत जो है ढेर सारे समझौते संधियाँ उत्पन्न हुई थी। 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध का मतलब कि आंशिक जो कि पृथ्वी आकाश नभ जल, तो ये तीनों क्षेत्रों में जो है परमाणु परीक्षण कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंधित किया गया था, तो इसीलिए इसको बोला गया आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध। बर्लिन समझौता 1971, बर्लिन समझौता इसलिए किया गया कि जर्मनी का विभाजन हो चुका था, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, तो जब बर्लिन का समझौता हुआ था तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को जो है छूट दी गई थी कि आपस में ये लोग मिलजुल कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं। अगला है मास्को शिखर वार्ता सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि, मास्को शिखर सम्मेलन हुआ था, तो ये अमेरिका और जो है सोवियत संघ के बीच में शांति समझौता हुआ था।
शस्त्र परिसीमन संधि, शस्त्र की मतलब हम शस्त्रों में कटौती करेंगे और अपने विकास को बढ़ावा देंगे और एक दूसरे को जो है व्यापारिक सहयोग करेंगे और जो हम शस्त्रों की जो है दौड़ को कम करने का प्रयास करेंगे। फिर अगला है ब्रेन जेव की अमेरिका यात्रा। 1973 ब्रेन जेव की अमेरिका यात्रा हुई थी, अमेरिका जब गए थे ब्रेन जेव, तो वहाँ पे इस प्रकार से संधियाँ और समझौतों को जो है संपन्न किया गया और जो है तनाव की स्थिति को जो है कम करने का प्रयास किया गया था। अगला है निक्सन की सोवियत यात्रा 1974। अगला है निक्सन की यात्रा 1974। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन जब सोवियत गए हुए थे तो सोवियत में जो है इन्होंने अपने जो है संधि समझौतों को जो है संपन्न करने का प्रयास किया था जिसके कारण तनाव की स्थिति में कमी आई थी। कंबोडिया और वियतनाम के युद्ध की समाप्ति 1975, जो कि कंबोडिया और वियतनाम में युद्ध चल रहा था, तो उसके जो है जब समाप्ति हो गई तो जो है दोनों गुटों में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न थी तो तनाव की स्थिति में कमी आई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत इसमें हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर तनाव शैथिल्य का प्रभाव, तनाव शैथिल्य का क्या प्रभाव पड़ा था इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। नंबर एक, अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी आई तथा महाशक्तियों के मध्य सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास प्रारंभ हुआ। अगला है पश्चिमी देशों का व्यापार यूरोपीय देशों के साथ बढ़ने लगा, तनाव शैथिल्य के युग में ही यूरोपीय एकता के प्रयास तेजी से बढ़ने लगे थे। विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के भय से मुक्ति मिली। अगला है निशस्त्रीकरण तथा परमाणु शस्त्रों के परिसीमन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। महाशक्तियों के बीच वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला है तनाव शैथिल के कारण कुछ लोग यह मानने लगे थे कि गुट निरपेक्षता प्रासंगिक हो गई है। अगला है मानवाधिकार आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अगला है महाशक्तियों की खींचतान में कमी आई, तो यह प्रभाव हुआ कि व्यापार में वृद्धि होने लगी और जो है आपसी जो है वैमनस्यता को त्याग पर त्याग कर सौहार्दपूर्ण वातावरण का विकसित करने का प्रयास किया गया और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने का प्रयास किया गया। टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, ये सब मुद्दों पर ध्यान दिया जाने लगा। अगला है नव शीत युद्ध, तो तनाव शैथिल के बाद नौ शीत युद्ध का जो है प्रारंभ हो गया था। नौ शीत युद्ध क्या है? तनाव शैथिल की प्रक्रिया जिसका सूत्रपात क्यूबा मिसाइल संकट से देखा जा सकता है, यह अगले दशक में जारी रहा, परंतु 1979 में दो ऐसी घटनाएं हुई जो तनाव शैथिल के लिए घातक सिद्ध हुई। इनमें पहली घटना ईरान में शाह का पतन, दूसरी घटना अफगानिस्तान में सोवियत संघ के सैनिक हस्तक्षेप की थी। नए शीत युद्ध के उद्भव एवं अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर के कार्यालय में मानवाधिकारों की रक्षा के विदेश नीति का एक मुद्दा बनाना महत्वपूर्ण कारण बना। तो तनाव शैथिल्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिसके कारण जो है तनाव की स्थिति फिर से प्रारंभ हो गई थी। तो पहला ये कारण था कि जो शाह का पतन, और अगला था अफगानिस्तान में जो है इस प्रकार से संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी, सोवियत संघ का जो है सैन्य हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था, इसीलिए अमेरिका गुट नाराज हो गया था और तनाव की स्थिति फिर से प्रारंभ हो गई थी। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तनाव की स्थिति पूरी तरह खत्म हो जाती है और शीत युद्ध का अंत हो जाता है। नौ शीत युद्ध का कारण देखते हैं क्या क्या कारण था। जॉर्ज गिल्डन ने अपनी पुस्तक वेल्थ एंड पॉवर्टी में दूसरे शीत युद्ध का कारण और इसकी प्रकट के प्रमुख तत्व के रूप में साम्यवादी सपने के समाप्त होने का माना है। हेकिट ने अपना मत प्रकट किया है दूसरा शीत युद्ध का कारण दक्षिणपंथी विचारधारा नहीं बल्कि नव अंगारवाद का बलवान होना माना है। पहले शीत युद्ध के काल में अंतर्राष्ट्रीय संकट का केंद्र यूरोप था, जबकि दूसरे शीत युद्ध के काल में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में भी असर दिखाई देता है। तो पहले जो शीत युद्ध शुरू हुआ था तो जो है दोनों गुटों के बीच था, और जो है जब दूसरा जो है नव शीत युद्ध प्रारंभ हुआ तो इसका असर लैटिन अमेरिका और जो है छोटे छोटे जो एशिया, अफ्रीका, ये सब चीज़ों में भी दिखाई देने लगा था। अन्य देशों में, छोटे छोटे विकासशील देशों में भी इसका प्रभाव दिखाई दिया था। सारांश, समय के साथ साथ
शीत युद्ध के नकारात्मक रवैये और स्थितियां दोनों पक्षों में आपसी बातचीत सह अस्तित्व की ओर उन्मुख होने लगे। उनमें वैचारिक मतभेद बने हुए थे, परंतु वे अब राजनीतिक तथा आर्थिक अंतः प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं करते थे। यद्यपि शस्त्रों की दौड़ पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, सैन्य गठन समाप्त नहीं हुए थे, पहले की तरह परमाणु हमले की आशंका उनको भयभीत नहीं करती थी। अमेरिका दितान्त का विचार महत्व सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों में होने वाले बदलाव को तनाव शैथिल्य नाम दिया गया है। तो तनाव शैथिल्य की स्थिति में यही था कि पूरी तरह से शस्त्रों से जो शस्त्रों की होड़ थी वो समाप्त नहीं हुई थी, शस्त्रों को कम किया गया था और तनाव को जो है कम करने का प्रयास किया गया था, और जो है आपस में जो है वैमनस्यता के स्थान पर आपसी सामंजस्यपूर्ण का जो है वातावरण डेवलप हुआ था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।